हाय यूट्यूब फैमिली, राम राम। कैसे हो? ठीक हो? मैं तो सही हूँ। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? और आज जन्माष्टमी है, हैं? आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग सही रहो, ठीक रहो। हिंदी कहाँ से सीख रही है? भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद सदा बनाए रखे। आप सब लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए और मनाते रहिए जन्माष्टमी, है ना? तो आज मैंने व्रत रखा है, अन्नू ने रखा है व्रत जन्माष्टमी का, है ना? मैं रख लेता लेकिन अब मैंने खा लिया, मुझे क्या पता था। अन्नू ने चाय पी ली, ब्रेड खा लिए और कह रही मैं व्रत रख लूंगा। रखे ही व्रत? ऐसे नहीं रखा जाता है व्रत, अगली बार खाते नहीं है। अगली बार क्यों रखूंगा? एक साल बाद रखते हैं। आज रात को भगवान जी का जन्म होगा 12 बजे, ठीक है? जब पूजा करेंगे, अभी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, है? ठीक है। एली जी घूम रही है। हेलो हेलो, इधर देख। एली की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए ऐसी टहलती रहती है और बनी रहती है। अरे पहले आओ। एली कहाँ घूम रहा है? कोने में घुस रहा है, बैठ गया मेरा बच्चा। एली को पट्टा तो दो, कितना ढीला ही। देखो साइकिल जैसी मम्मी आती है वैसी उसके पीछे मम्मी के पीछे आ जाती है एली, चल चल के, और फिर छुपकली की तरह सो जाती है यहाँ पर। भाई तो फैली पड़ी है, निकलेगा कैसे कोई? ब्लू वाला ले आ दिया। तो दोस्तों हम जा रहे हैं बाजार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेने, झूला है पालना। गर्मी लग रही है, आप देखते रहिए और बताइए। देखो कैसी लड़ाई हो रही है दोस्तों, बहुत लड़ते रहते हैं। आती की शक्ल देखा अनु, देखो तो एली वो बैठी है, छोटी सी बैठ के देख कैसे बैठी है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो चलो बाजार चलते हैं। अनु तू चल रही है बाजार? नहीं जा रहा? बहुत अच्छा बन गया। तो दोस्तों देखना और बताना मूर्ति कैसी है और कौन सी अच्छी वाली मूर्ति है, ठीक है? हाँ, रास्ता की वीडियो बना लो। बाजार से आ गए भगवान जी की मूर्ति ले, तो भगवान जी का हम प्रसाद बना रहे हैं फ्रेंड, ठीक है? आप भी आ जाना खा लेना भगवान जी का प्रसाद, है ना? ठीक है। और दोस्तों देखिए भगवान जी हमारे बैठे हैं और इनका आसन तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं फूलों से, है? फिर पूजा करेंगे इनकी। अभी तो आसन तैयार करवा रहे, एली भी तैयार करवा रही, देख रही बैठी है, अनु नहीं करवा रही है। तो दोस्तों देखिए हमारे भगवान जी का आसन तैयार हो गया है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और ये हमारा मंदिर है, अनु को भूख लग रही है, अभी भगवान जी की पूजा होगी जब खाना मिलेगा, हमें अभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब हम भगवान जी की पूजा करेंगे, टाइम हो गया है भगवान जी का पूजा करने का। रैली बीच में घुसेगी, पंखा चल रहा है। अब भगवान का तिलक करेंगे, ठीक है ना? भगवान जी का मम्मी अब भगवान जी को प्रसाद चढ़ा रही है।
अब पूड़ी खिला रही है, अब फ्रूट खिलाएंगे भगवान जी को। अब मिठाई खिला रही है, अब पानी पिला रही है भगवान जी को। हो गया हो गया। अब मम्मी भगवान जी की कथा पढ़ेंगी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलनु मथुरा के राजा अग्रसेन के बड़े पुत्र का नाम कंस था। वह अपने पिता को गद्दी से उतारकर स्वयं राजा बन बैठा। कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। कंस अपनी बहन को विदा करके गया। तब आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को विदा कर रहा है उसी के आठवें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। कंस घबरा गया, देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने उसे रोका और समझाया, बोला, हे राजन, यह आपकी बहन है, आपको तो इससे कोई डर नहीं है, इसके बच्चे से डर है। मैं शपथ खाता हूँ कि मैं देवकी को संतानों आपको देता जाऊंगा। कंस मान गया। उसने वसुदेव देवकी को बंदी गृह से डाल दिया। जब देवकी को संतान हुई, कंस उसे मार डालता। बादों की अंधेरी पाक की अष्टमी को आधी रात को देवकी ने आठवां पुत्र हुआ। कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के ताले फाटक खुल गए। वसुदेव की हथकड़ियां बेड़ियां खुल गईं। द्वारपाल नींद में सो गए। बच्चे के मुख पर अनोखा तेज था। उसी समय उन्होंने उन्हें सुनाई पड़ा, इस बालक को यमुना पार गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो। वहां से उसकी कन्या ले आओ, उसे कंस को दे दो। पुत्र को सूप में रखकर वसुदेव गोकुल चले गए। उस समय वर्षा हो रही थी। शेषनाग ने आकर बालक के ऊपर अपने फन का छाता लगा दिया। यमुना बढ़ रही थी। कृष्ण ने पैर छूते ही यमुना घट गई। वसुदेव गोकुल पहुंच गए। नंद के घर सब सोए हुए थे। वसुदेव ने बालक को यशोदा के पास सुला दिया और यशोदा की कन्या को लेकर मथुरा लौट गए। उन्होंने आकर कन्या देवकी को दे दी। गोद में आते ही कन्या रोने लगी। रोना सुनकर पहरेदार जाग गए। संतान होने की खबर पाकर कंस बंदीगृह आया। उसने बच्चे को देवकी की गोद से छीन लिया। कन्या का पैर पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या हाथ से छूट गई और यह कहती हुई आकाश में चली गई, हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। कृष्ण ने कंस का वध किया, अग्रसेन को गद्दी पर बैठाया। कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई में अर्जुन को गीता उपदेश दिया और पांडवों को सहायता की। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान की कथा का यही ब्राह्म होता है। बोलो कन्हैया लाल की जय। हाथी घोड़ पाल की, बोलो कन्हैया लाल की जय। बोल ना। मेरे हाथ
बोल दो बेटा, जय तो बोल दो भगवान की। जय बस। बढ़िया हो गई ना, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अब मम्मी भगवान जी को झूला झुलाएंगे। कुछ नींद आ रही है। तो दोस्तों इधर हमारी पूजा हो गई, अब ऊपर जाएंगे जल चढ़ाएंगे। किसे? चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे, अर्घ। ठीक है। तो दोस्तों देखियो भगवान जी की हमारी पूजा हो चुकी है, और देखो ये बैठे हैं हमारे भगवान जी, और ऊपर भी बैठे हैं। अब हम ऊपर जाएंगे अभी, और जब आपको चंद्रमा दिखाएंगे। ये प्रसाद रखा है भगवान जी का, और ये दीपक जल रहा है भगवान जी का। तो अब हम ऊपर जाएंगे, चंद्रमा निकल आया है और अर्घ देंगे ऊपर। ठीक है, जल्दी आओ, चलो ऊपर चलते हैं। ऐसे कुछ जा रही हो? चलो आज भगवान जी का जन्म हो गया है, और अब चल चढ़ाएंगे, अर्घ देंगे भगवान जी। अभी नहीं निकल आया, हो रहा है? हाँ दिख तो रहा है। दिखा दे, देख चंद्रमा निकल आया है, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ चल। चलो जाओ भाई। हाँ वो क्यूट है ना, आएगी पूजा करने। एली भी, चलो पूजा हो गई हमारी, अब नीचे जा रहे हैं। एली को भी बुला ले, आ जाए, चलो नीचे आ जा। चलो खाना खाएंगे, भूख लगेगी बहुत तेज। तो दोस्तों हमारी पूजा हो चुकी है, और रात का 1 बज रहा है। ठीक है, और आज का ब्लॉग हमें इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। आगे आपके लिए नया ब्लॉग लेके आएंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना प्लीज़, सपोर्ट करना। बाय।